हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर लेकर आई हूँ मैं एक नई रेसिपी। आप देख सकते हैं टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा, बटर चिकन। बहुत बढ़िया बनी थी, बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट लग रहा था। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, मेरे तरीके से बनाई है। और अगर अच्छे लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कैसी बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg चिकन, 2 बड़े चम्मच दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 छोटे चम्मच, लगभग 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। तो इसे हमें मैरिनेट करना है अभी। दही और अदरक लहसुन के पेस्ट से हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें मिर्च, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसका थोड़ा कलर ये हम मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अच्छे से मैरिनेट कर कर इसमें हमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है मैरिनेशन में। आपको पता ही है नमक से पानी छोड़ देता है चिकन, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। बिल्कुल हर जगह अच्छे से मैरिनेट हो जाना चाहिए, अच्छे से कोट हो जाना चाहिए दही से। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेवी की तैयारी। इसमें मैंने लिया है 2 प्याज, 2 बड़ी प्याज थी ये, रफली चॉप कर लेना है। टमाटर लिया है 1, बटर लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच, 50 ग्राम के करीब होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट और घर की मलाई, और ये है कसूरी मेथी, इलायची और जावित्री लिया है लगभग 4 इलायची के टुकड़े हैं और जावित्री, तिल है, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च, ये गरम मसाला है और नमक है, और ये है धनिया। जावित्री का हमें 1 ही पीस लेना है छोटा सा। तिल लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था। इतनी चीज़ें हमें ले लेनी है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली थी 1 चम्मच, तीखी मिर्च है मैंने 1 छोटा चम्मच लिया था और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो तीखी मिर्च और थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च तो कलर के लिए आपको पता ही है होती है, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया था तेल, और जो बटर हमने लिया है उसमें से आधा हम बटर अभी यूज़ करेंगे। तो तेल और बटर साथ में गरम कर कर हमें प्याज, टमाटर, तिल, इलायची, जावित्री और जो सूखे मसाले मतलब लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला और नमक, इन सबको हमें तेल में अच्छे से भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने अभी, जो 1 चम्मच लिया था हमने, क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने अदरक लहसुन यूज़ किया है तो हमें कम ही लेंगे। अभी 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने, और ये सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में है लाल मिर्च की पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, 1 तीखी लाल मिर्च और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। नमक भी इसी पॉइंट पे हमें ऐड कर देना है और हम अच्छे से तेल में भून लेंगे इसको टमाटर को गलने तक। ये डाल रही हूँ मैं तिल और इलायची और जावित्री। इलायची लगभग हमें 4 टुकड़े ले लेने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची और जावित्री का। ज़्यादा मसाले, खड़े मसाले हमें इसमें यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि गरम मसाला तो यूज़ किया ही है हमने। तो अब हम ढककर इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से गलाने तक पका लेंगे, और इसे हमें साइड में निकाल लेना है और ठंडा करके अच्छे से ठंडा कर लेना है क्योंकि बाद में हमें इसमें इसे पीसना होगा, तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये देखिए प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। याद रखिए प्याज को हमें इसमें ज़्यादा नहीं लाल करना है,
और उसी कढ़ाई में मैं चिकन भून लूँगी। अगर आप थोड़ा और तेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने तेल ने और ऐड नहीं किया है। चिकन को ऐड कर देंगे और हम अच्छे से भून लेंगे। स्टार्टिंग में हमें फ्लेम हाई रखनी है, 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से भून लेना है और फिर फ्लेम लो कर कर इसे ढक कर पकने देना है। इसका पानी हमें अच्छे से सुखा लेना है, पानी चिकन चिकन पानी छोड़ता है तो उस पानी को, ये देखिए पानी को हमें अच्छे से, अभी ये ठंडा हो चुका है, ये मैंने पीस लिया है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। प्याज का जो मिक्सचर था वो पीस लिया है मैंने और अब हम इसे इस पॉइंट पर चिकन में ऐड कर देंगे। पानी लगभग काफ़ी सूख चुका है तो हम ये पिसा हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे और अब हम ऐड करेंगे हमारा बटर, जो हाफ हमने रखा था बटर, और जो मलाई ली थी हमने वो मलाई ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा धनिया। कसूरी मेथी थोड़ी क्रश कर लेनी है, आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं। और मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा पानी, जो बसा बचा हुआ मसाला रहता है उसमें पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया। कसूरी मेथी हमें क्रश कर कर डाल देनी है और हम धनिया ऐड कर कर इसे ढक कर 10 मिनट तक पकने देंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी इस पॉइंट पर, ज़्यादा हमने कुछ खड़े मसाले यूज़ नहीं किए, बस इलायची और जावित्री से इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप ज़रूर ट्राई कर कर देखिए, मेरे तरीके से बना कर देखिए, आई होप आप सबको पसंद आए। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, रेडी हो गया है हमारा बटर चिकन। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कैसी बनी है कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंजॉय, बाय।